ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। शिफन कोट मामले में प्रशासन द्वारा मुकदमों की नोटिस पर नहीं घबराने वाले आप नेता ने विरोध कर नाराजगी जताई। नवीन पिरसाली आप प्रदेश प्रवक्ता ने मसूरी में शिफन कोट से बेघर किए गए 84 परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए आंदोलन के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं और शिफन कोट के लोगों पर प्रशासन द्वारा लगाए गए मुकदमे में नोटिस भेजने के संबंध में शहीद स्थल पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें आप नेता नवीन पिरसाली ने कहा कि मसूरी के शिफन कोट का मामला किसी से छुपा नहीं है और ये मुद्दा संचार के विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ये उत्तराखंड के इतिहास की पहली घटना है जब मसूरी के शिफन कोट में कोविड काल में जब छोटे बच्चों की स्कूली परीक्षा चल रही थी, तब इन गरीब लोगों के पास कोविड के चलते कोई इनकम नहीं थी। ऐसे समय में इन लोगों की जीवन भर की कमाई जो इन्होंने हाथ रिक्शा खींचकर और रिक्शा चलाकर कमाई थी, एक एक दो दो पीढ़ी की कमाई से अपना आशियाना बनाया था। उस आशियाने पर भाजपा की गरीब व दलित विरोधी सरकार की नजर लग गई और इस निष्क्रिय सरकार ने इन गरीबों को बलपूर्वक हटाकर इनके घर जमींदोज कर दिए और पिछले 5-6 महीनों से इन लोगों को मसूरी की सड़कों पर लावारिस हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। प्रदेश प्रवक्ता पिरसाली ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि आगामी 2022 में उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी तो आते ही हमारी सरकार तमाम जनहित के मुद्दों पर लगाए गए मुकदमों को धारा 321 CRPC के तहत वापस लेने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि शिफन कोट का मामला एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड की गरीब व दलित विरोधी भाजपा सरकार आज इन गरीबों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और हम पर शिफन कोट की जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करीब करीब 40 लोगों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की है और नोटिस सर्व किया है। तो उस नोटिस के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को चेताया कि आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी इन नोटिसों से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारे पूर्वजों ने और हमने खुद उसमें भाग लिया था, हक अपना छीन के लिया था और हमारे शहीदों ने अपनी जान तक गंवाई थी। तो उन्हीं के हम बेटे हैं, उन्हीं के हम बच्चे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम इन गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, उनका न्याय दिलाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इन गरीबों की सुध लेते हुए इनको तुरंत इनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और पालिका ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा था उनको भी उस प्रस्ताव को फॉलोअप करना चाहिए सरकार के साथ, कहाँ तक वो पहुँचा ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग है। हमारे सो चाल आंजन कटेना बेमतलब चाल आंजन कटेना आप हक लड़े थे हम लड़ना हमने भी नहीं बोल कि हम जन तुम इन दिया तुम दिया मेरे सात कमर तो मैं सात कमर तुम नहीं मांगी मैंने खाली दुई बेटों लड़े सो लड़नू तो मेरे बेटे दुई अलग अलग छन बो अलग अलग छन तो मेरे लड़े ये सही हमारे चाल आंजन बल कटिया तो हमारा ना चाल आनू वापिस छे में ना आ ना हमारे व्यवस्था छू होनी तो के बात है चम भरिए सुध बे मार होनी बेमतलब है। आपके घर भी तोड़ दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए? मुकदमा भी ले गई, घर भी तोड़ी, छोरा भी हमारा फंसा है जेल में तारीख पर जाना के बदलो जी हूँ अब हक लड़े से हम लड़ना जब हमारा हक मिल रहा हो तो हम पागल तोड़ी से हम इन धरना प्रदर्शन कर ला और अभी हम धरना प्रदर्शन भर जा और अब हम भूखा था बैठे जब तक हमारो मांग पूरी। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।